Assalam viewers, my name is Rizwan Cheema, founder and CEO of Makaan Solutions Private Limited. Your journey from plot to home. इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ये रिलेटेड टू स्मार्ट सिटी नहीं है बट कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग जो मुझे अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूं जो स्मार्ट सिटी की साइट के हवाले से और जब मैं अक्सर क्लाइंट से मेरा रब्ता होता है तो अक्सर मेम्बरान जो मेरे से डिस्कशन करते हैं अबाउट द स्मार्ट सिटी ये उस टॉपिक को लेकर क्या स्मार्ट सिटी के मेम्बरान के दिल में क्या शिकायत हैं और शिकायत के हवाले से जो मेरी नाकिस राय में कुछ रिप्लाई हो सकता है उसका जाहिर सी बात है मैं सोसाइटी की मैनेजमेंट नहीं हूँ बट क्योंकि हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं हम सोसाइटी को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और पिछले 4 साल से इस ब्रांड के साथ काम करने की एक रीज़न थी तो मैं आपको उस हवाले से डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जी जो सबसे कॉमन सवाल आता है कि स्मार्ट सिटी में जिन मेंबरान ने अब तक इन्वेस्टमेंट की है उन इन्वेस्टमेंट पे उन्हें को खातरखा रिजल्ट्स या खातरखा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला नंबर वन। नंबर टू यह था कि बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं स्मार्ट सिटी के जो अंडर डेवलप्ड हैं पार्शियल डेवलप्ड हैं या बिल्कुल उन पर काम नहीं स्टार्ट हुआ उस हवाले से। एंड नंबर थ्री के इन ब्लॉग्स की जो पॉसिबल डेवलपमेंट है उनकी जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 1 साल 2 साल में हम सिर्फ 2022 को डिस्कस करें कि स्मार्ट सिटी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं तो उस हवाले से बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जी स्मार्ट सिटी में अब तक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको 4 साल में अभी तक उन पर प्रिंसिपल अमाउंट्स पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो उसकी क्या रीज़न है। अब देखें कोई भी ब्रांड जब कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होती है ना तो उसकी एक ग्रोथ का टाइम होता है। शुरू में जो उस सोसाइटी के अंदर पहला इन्वेस्टर आता है फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टर हो जिसने पहले पहले रेट से फाइल बाय की किसी भी ब्लॉक में क्या वो इन्वेस्टर आज लॉस में है? देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल इन्वेस्टर जिसने आज तक पहले रेट पे बाइंग की हो और उसको किसी प्रोडक्ट पे लॉस हुआ जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज ब्लॉक में पहले रेट्स के प्लॉट और एग्जेक्टिव ब्लॉक में पहले रेट पर 17 लाख वाली फाइल। कोई एक मेंबर मुझे ढूंढ के दिखा दें कि जिसकी फाइल आज तक लेवल पे या लेवल से छोड़ दें माइनस या इस तरह के रेट्स पे गई हो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला इन्वेस्टर जो होता है हमेशा बेनिफिशियल रहता है। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी में इसी तरह जिन मेंबरान ने 18 लाख और 19 लाख वाले प्लॉट पर 5 मरला 10 मरला के केस में 33 लाख 34 लाख वाले प्लॉट पर इन्वेस्टमेंट की और कनाल वाले केस में 54 लाख 55 लाख वाले प्लॉट से बुकिंग की। एक मेंबर ही मुझे दिखा दें जो लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरला प्लॉट जो है वो 1.25 लाख या 1.5 लाख से नीचे देने के लिए तैयार, मतलब एक प्रिंसिपल लोएस्ट अमाउंट है। और कनाल के जो मेंबरान हैं उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 8-8.5 लाख से लेकर 9 लाख तक मिल रहा है। तो पहले मेंबरान जो होते हैं या पहले इन्वेस्टर जो होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनका हमेशा ज़्यादा होता है। अब आते हैं बाकी मेंबरान के हवाले से जो सेकेंड इन्वेस्टर होता है थर्ड इन्वेस्टर होता है फोर्थ इन्वेस्टर होता है या फिफ्थ इन्वेस्टर होता है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। अब एक इंडिविजुअल है जिसने फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं पहला रेट था जनरल ब्लॉक में 17 लाख फिर रेट था 18 लाख फिर रेट था 19 लाख 50 हज़ार फिर रेट था 21 लाख और फिर रेट था 24 लाख 15 हज़ार। अब जो प्रिंसिपली 17 से लेकर 24 लाख 15 हज़ार के दरमियान में लोग थे अगर वो 24 लाख वाला बंदा इन्वेस्टमेंट जिसने किया लेट्स से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले वो सोचे कि मुझे 17 लाख वाले के बराबर एक इक्वली अच्छा नंबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं इन बातों से हट के कि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की उससे हट के कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर में देखें 2022 में जब इस साल के एंड पर अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली इंटरचेंज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी एज़ पर द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी मलिक असलम साहब। जब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ही बात कर रहे हैं कि उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एज सून एज पॉसिबल हो जाती है सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग है जो पेंडिंग है एनएचए की वो बोर्ड मीटिंग होने की देर है उसके बाद स्मार्ट सिटी में डेफिनेटली जो है वो जब ऑन ग्राउंड रियलिटी में जाहिर सी बात उस पर काम ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट होगा तो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल कोट करता हूँ आज की डेट में किसी भी आप सोसाइटी में जाते हैं ना किसी भी इंडिविजुअल से किसी रियल एस्टेट एजेंट से पूछते हैं तो आपको रिकमेंड करेगा जी डीएचए और बैरिया का नाम एज ए सैम्पल के तौर पे कि डीएचए और बैरिया जो है वहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है डेफिनेटली अच्छा है। बट क्या कोई बंदा आपको ये बताएगा 2003 में 2002 में या 2001 में इस जगह पर आपको स्टेटस क्या मिलता था? बिलीव मी लोग ये बात करते थे कि वहाँ पर कौन जाएगा यानी कि 0 पॉइंट से लोग इसको एक दूसरी दुनिया समझते थे कहते थे कि यार डीएचए में कौन जाएगा। आज डीएचए वाले इस्लामाबाद के लोग कहते थे कि डीएचए कौन जाएगा। आज डीएचए जाने की बजाय मतलब इस्लामाबाद जाने की बजाय लोग डीएचए जा रहे हैं मतलब एग्जांपल के तौर पे किसी भी इंडिविजुअल ने जिसका प्लॉट है डीएचए में वो जिसने उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर ली और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया और अपनी इन्वेस्टमेंट का वेट किया उस पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट का वेट किया उसके डेवलपर पोजिशनेबल होने का वेट किया आज वो इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा सक्सेस में है प्रॉफिट में है। इंस्टेड ऑफ के डीएचए के मेंबर इस्लामाबाद जाएं इस्लामाबाद के मेंबर डीएचए जा रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें एक अच्छी लिविंग मिलती है एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मिलता है एक अच्छी लाइफ मिलती है ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हुई बट इस चीज़ को 2 डेकेड्स का टाइम लगा यानी 20 साल का टाइम लगा। तो एक
प्रोडक्ट जो होता है उसको ब्रांड बनने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब स्मार्ट सिटी का ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अब DHA फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड कर दूं, अब DHA कोई भी अपनी नया ब्लॉक लॉन्च करता है, कोई नई इन्वेंट्री लॉन्च करता है, तो आपको क्या लगता है कि DHA की वो जो इन्वेंट्री होगी या वो ब्लॉक जो होगा वो आपके ख्याल में कि वो नहीं बिकेगा? DHA के अंदर इस वक्त ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 लाख 15-15 लाख का प्लॉट लिया और उनकी वर्थ जो है वो आज की डेट में 3-3 करोड़ है, 2.5-2.5 करोड़ है। तो आप अब DHA में लेट्स से अमाउंट अकाउंट करो तो हैं जी 50,000 मेंबर। अब DHA एक नया ब्लॉक लॉन्च करता है लेट्स से जी उसमें फॉर एग्जांपल 5,000 प्लॉट है, तो 50,000 मेंबर उसका ऐसे है जिन्होंने उनको टेस्ट कर लिया हुआ है, जिन्होंने 12 लाख 15 लाख का प्लॉट लिया, 20 लाख का प्लॉट लिया, आज वो 3-3 करोड़ का प्लॉट है, तो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट पे उन्हें एटलीस्ट अगर मैं 20 लाख का प्लॉट कहूँ तो 150 टाइम्स उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। टाइम लगा 20 साल का, बट उनके आज इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जिनको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्रांड बनने में 20-25 साल का जो टाइम लगा है उन्होंने अब इतना ग्राउंड स्टेबल कर लिया है कि उनका नया ब्लॉक या नई सोसाइटी कुछ भी लॉन्च होता है तो DHA का बायर ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होता है कि जिसको एक ऑलरेडी एक जिसकी जुबान जिसके मुंह को खून लग चुका है आसान अल्फाज में कि जिसको प्रिंसिपल अमाउंट पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, अब जाहिर सी बात है वो बाइंग करेगा ही करेगा वहाँ पे। तो इसलिए DHA के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो डिमांड में होती है। अब वापस आते हैं बैक टू स्मार्ट सिटी के, स्मार्ट सिटी को लॉन्च हुए ना अर्ली स्टेज में, जब प्री लॉन्च डेट्स में फाइल आई थी 2017 में, 18 में वही प्री लॉन्च डेट्स की फाइल बिकती रही, 19 में स्मार्ट सिटी का NOC आया। बाय द एंड ऑफ 2021 स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज वन तकरीबन अपना 80-85% डेवलप कर लिया। अब ओवरसीज वन डेवलप होने के अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक रह गया, ओवरसीज प्राइम बाद में लॉन्च हुआ लेकिन तकरीबन इस वक्त 70-75% ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ओवरसीज सेंट्रल की बात करें तो उस पर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसमें भी तकरीबन डेवलपमेंट जो है वो 80-85% कंप्लीट हो जाएगी और इंटरचेंज भी किसी हद तक फेज़ में आ जाएगा। जब स्मार्ट सिटी एक सिटी है, यानी कि जब इसको शहर के अंदर लॉन्च नहीं किया गया, शहर से हट के लॉन्च किया गया, तो जब ये पूरा रेडी होगा मुकम्मल होगा तो इसके बाद स्मार्ट सिटी कोई भी नया ब्लॉक लॉन्च करता है, मैनेजमेंट कुछ भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट जो होगी वो मार्केट में ज़्यादा देर तक अवेलेबिलिटी सस्टेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब उसके बाद जैसे एग्जाम्पल मैंने दी DHA की कि एक टाइम था कि लोग वहाँ पर कहते थे कि DHA कौन जाएगा, आज लोग इस्लामाबाद के DHA में जाने को अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मैं DHA में रहता हूँ, किसी को एड्रेस बताते हैं ना वो एक सिग्नेचर एड्रेस बन गया, घर कहाँ पे है DHA फेज़ 2 DHA फेज़ 5 इवन दो मैं नाम नहीं लेता लेकिन बहुत सारी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी DHA में रहते हैं, लेकिन DHA को एक ब्रांड बन गया, उसको टाइम लगा है, एक उसको टाइम इसलिए लगा है कि DHA ने अपने को डिलीवर करके दिखाया। अब मैं DHA एग्जांपल बार बार कोट इसलिए कर रहा हूँ कि DHA को जो डिलीवर करने वाली कंपनी है उसका नाम है HRL हबीब रफीक लिमिटेड, और सेम कंपनी डिलीवर कर रही है स्मार्ट सिटी को जिसका अपना प्रोजेक्ट है। DHA प्रोजेक्ट है बेसिकली आर्मी का, यानी कि उसको आर्मी ओन करती है, तो आर्मी का प्रोजेक्ट एक था तो उसको आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का AWT का, तो AWT के प्रोजेक्ट को डेवलप किया HRL ने, तो उसको एक ब्रांड बना दिया। अब आप पाकिस्तान में किसी भी सिटी में जाएं तो DHA लिविंग को सिग्नेचर लिविंग काउंट किया जाता है। तो फ्यूचर में स्मार्ट सिटी का जो पहला प्रोजेक्ट है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी, दूसरा प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी। फ्यूचर में ये वीडियो को एज ए रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें कि जब भी स्मार्ट सिटी में पाकिस्तान में कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी पहली प्रोडक्ट डिलीवर होने की देर है, यानी पहला जो सिग्नेचर स्मार्ट सिटी होगा वो डिलीवर होने की देर है, तो स्मार्ट सिटी एक एम्बलम बन जाएगा, एक इंसिग्निया बन जाएगा, लोग कहेंगे स्मार्ट सिटी में अपने आप को एक सिग्नेचर एड्रेस के तौर पे काउंट करेंगे, कहाँ रहते हो स्मार्ट सिटी में रहता हूँ। तो स्मार्ट सिटी को चीज़ बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसकी रीज़न बीच में थोड़ा सा जब DHA बना था तब कोविड नहीं आया था लेकिन यहाँ पे कोविड का पीरियड आ गया, बीच में बहुत सारी चीज़ें ऊँच नीच हुई, मार्केटिंग ऊँच नीच हुई, उसके अलावा डेवलपमेंट ऊँच नीच हुई, प्लान जो थे मास्टर प्लान था वो डिले हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई जिनका एज सच पास्ट में कोई एग्जांपल नहीं मिलती क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है पहले वो पाकिस्तान में या दुनिया में एज सच किसी इंडिविजुअल ने फेस नहीं की थी। वेल व्यूज़, दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी बुकिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट विजिट करें www.makaansolutions.com। अगर आपको कोई डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।